पेयजल मंत्री राजेश ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लेके चलते हैं। अधिकारी जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर बात नहीं सुनते हैं, तो उस पर हमें क्या करना है, उस पर बात हुई है कि हम सबसे पहले उनसे आग्रह करेंगे, फिर सत्याग्रह करेंगे, हम तमाम वो चीज़ करेंगे जिससे जनता के जो मुद्दे मसाइल हैं वो उनका जो काम है वो किसी भी प्रकार से हो सके। हमारे जिला अध्यक्षों की शिकायत थी कि हमारे मंत्रीगण जब जाते हैं तो हमें कई बार सूचना नहीं मिल पाती है, तो हम लोग उसको सुनिश्चित कराएंगे संगठन के स्तर से कि जब भी जिले में कोई हमारे मंत्रीगण, सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं गठबंधन के भी जो मंत्रीगण जाते हैं वो तमाम, चाहे झामुमो के हों, चाहे राजद के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, सभी लोगों को सूचना मिले ताकि वो अपनी बात तो मंत्रीगण के सामने रख सकें। और कहीं कोई इम्पोर्टेंट इशू है, व्यक्तिगत के लिए हमने मना किया है कि कोई व्यक्तिगत कार्य की बात इस तरह से नहीं होनी चाहिए। जनहित के मुद्दे को आप जब पूरे तरीके से कहेंगे तो हमें नहीं लगता है किसी भी मंत्रीगण को आपके काम करने से गुरेज होगा। उस पर भी चर्चा हुई है, सभी लोग ये हैं। और जो तालाब है, पोखर है, उस वो कैसे उसका जो सही तरीके से कार्यान्वयन होना चाहिए, जो बनना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको देखने के लिए पंचायत के लोग देखेंगे, प्रखंड के लोग देखेंगे, तो प्रखंड स्तर पर क्या मजबूती हो, कैसे मजबूती हो, उस पर चर्चा हुई है। कई जिलाध्यक्षों ने पूरा स्टेट कमेटी को, प्रदेश अध्यक्ष को ये सहूलियत दी है कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, और अगर आपको कहीं लगता है कि कोई बदलाव होना चाहिए तो आप वो भी करें, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है और उससे कोई अछूता नहीं रहना चाहिए। अगर अध्यक्ष आप बने हैं तो निश्चित रूप से जिला अध्यक्ष में भी आपको लगता है कि कोई परिवर्तन करना है तो कीजिए। ये इसके लिए मैं जिला अध्यक्षों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक मुझे आज़ादी दी है कि एक अच्छे तरीके से आप काम करें। हम समझते हैं जिन जिला अध्यक्षों ने भी, सारे लोगों ने इस तरह की बात कही है, हमें सभी लोगों से काम लेना है। अब किसका क्या स्थान होगा वो खुद तय करेंगे, हम ये स्वतंत्रता देते हैं जो भी हमारे जिला अध्यक्षगण हैं कि आप बताएं आपको किस तरीके से काम करना है। अगर आप खुश रहेंगे तो पूरा संगठन खुश रहेगा, पूरे लोग खुश रहेंगे, जो जनता है, जो जनता जनार्दन के लिए हम सारी चीज़ें करते हैं वो भी खुश रहेंगे, ताकि सभी लोगों का एक समन्वय बना करके एक बढ़िया से काम हो सके। तमाम कार्यकारी अध्यक्षगणों ने जो रुचि दिखाई है, निश्चित रूप से हमें लगता है कि हर जिले में लगातार दौरा होगा इनका, और दौरे के दौरान सभी जिला अध्यक्षों से बातचीत होगी। जिला अध्यक्षों ने भी खुले मन से स्वागत करने का निर्णय लिया है और कहा है कि आप हमारे जिले में आए, स्वागत का कार्यक्रम हो पहले, और आप हमें जाने, हम आपको जाने, आप हमारे कार्यकर्ताओं को समझे, तो एक अच्छा जो माहौल और अच्छे वातावरण बातचीत होनी चाहिए। हमें लगता है कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है और हम उस अनुसार अब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अभी तक के कार्यकाल से, सरकार के कार्यकाल से क्या आपके संगठन और जिला अध्यक्ष सब संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जमीन के मुद्दे हैं, जो जो पंचायत में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसका अगर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या कोई म्यूटेशन रुका हुआ है तो उसको करने में अगर कहीं दिक्कत होती है तो हम समझते हैं बिल्कुल बड़ी दिक्कत है। और जिला अध्यक्षों का ही नहीं, विधायकों का भी ये काम है कि जब भी कोई इस तरह की बात सामने आए तो वो हमारे संगठन में बताएं, सरकार में बताएं, और उसको आप लोगों से एक निवेदन होगा कि जब वो कोई आग्रह करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उसको नाराजगी में तब्दील आप लोग ना करें। अभी आप जानते हैं जब आप स्वागत समारोह में इस तरह की चर्चा कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आदरणीय विधायक दल नेता नहीं है, तभी हमने कहा था कि वो बाढ़ के लिए ही गए हैं। उस दिन मुद्दा ये था कि आप स्वागत समारोह में नहीं हैं, आज मुद्दा ये है कि आप बाढ़ में नहीं हैं। हमें लगता है कि इन चीज़ों से बचते हुए वो बाढ़ में जो काम कर रहे हैं वो आदरणीय हमारे मंत्री भी बैठे हैं, उसका जवाब वो निश्चित रूप से दें।